आज जो ये मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे उनको फर्क पड़ेगा ये कि जिसको मिल रहा है वो आवाज देगा कि हमको आगे चल के और विकास होना चाहिए। यात्रा से कुछ फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। भाजपा परिवर्तन यात्रा कर रही है। परिवर्तन यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। मैया सम्मान यात्रा या परिवर्तन यात्रा, किसमें ज्यादा जान है? ठीक है, कौन यात्रा बढ़िया? हेमंत सोरेन सरकार को बनेगा। हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा सर। सरकारी खजाना खाली हो रहा है, बिजली बिल माफ हो रहा है, मैया योजना हो रहा है, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। किसकी सरकार बन रही है? किसी की सरकार बने मगर युवाओं को रोजगार चाहिए। कहवा के बंसीधर नगर से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं आपको गढ़वा के बंसीधर नगर का नजारा दिखाना चाहूंगा। सारे महिलाएं जो हैं, आप देखिए, ये मैया सम्मान यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंची थी। गढ़वा के विभिन्न जगहों से यहाँ पर पहुंची थी। गढ़वा का क्या माहौल है और मैया सम्मान यात्रा को यहाँ के लोग किस प्रकार देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि 2 महीना के बाद चुनाव है? क्या नाम हुआ दादा? हाँ, ननकुली परसवान चैनपुर। आज आप यात्रा में आए थे? हाँ, मैया सम्मान यात्रा में। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है जी इधर का? यहाँ का माहौल तो बहुत चौचक है। जीतेंगे। कौन जीतेंगे? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन? हाँ। क्या कर दिए ऐसा हेमंत सोरेन जो जीत जाएंगे? अभी चलाए हैं मैया समाज योजना। हाँ। और भी जो 50 वर्ष को जो उम्र हो गया है अति आदिवासी के। हाँ। उसका दिए है अति। हाँ। वृद्धा पेंशन। हाँ। यही मेरा कर्तव्य। आज जो ये मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे उनको फर्क पड़ेगा ये कि जिसको मिल रहा है। हाँ। वो आवाज देगा कि हमको आगे चल के और विकास होना चाहिए। चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव में तो जीतने के एकदम संभव है। है? हाँ। क्या लग रहा है? एकदम चुनाव जीता रहा, जीत रहा। यात्रा से कुछ फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। भाजपा परिवर्तन यात्रा कर रही है। परिवर्तन यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। मैया सम्मान यात्रा या परिवर्तन यात्रा, किसमें ज्यादा जान है? ठीक है, कौन यात्रा बढ़िया? हेमंत सोरेन सरकार को बनेगा। हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा सर। क्या भैया क्या कहिएगा? युवा हैं आप, यूथ हैं, बताइए। युवा का भ्रष्ट कर दिए हैं, कोई योजना कोई सेफा नहीं है। हाँ। सरकारी खजाना खाली हो रहा है। हाँ। बिजली बिल माफ हो रहा है, मैया योजना हो रहा है। हाँ। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। किसकी सरकार बन रही है? किसी की सरकार बने मगर युवाओं को रोजगार चाहिए। हाँ। बस ये बिल्कुल एकदम मुद्दे की बात की है। क्या कहिएगा, कैसा ये यात्रा का कुछ असर देख रहे हैं, फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ? बहुत बढ़िया यात्रा रहा। आए? बहुत बढ़िया यात्रा। क्या है गढ़वा का माहौल जी? गढ़वा के नहीं, भनारपुर विधानसभा में जेएमएम जीतेगी। हाँ। बस इस बार भाजपा। अभी तो भानु प्रताप शाही यहाँ का विधायक यहाँ है, तो उनका विजयी है, विजयी तय हो गया है। हाँ, भानु प्रताप शाही के विजयी तय हो गया। भनारपुर विधानसभा में काम नहीं हुआ है जी? नहीं, काम नहीं हुआ। हाँ? काम नहीं हुआ है। भानु प्रताप बोलते हैं बहुत काम किए। कुछ नहीं काम किए हैं, जरा सा भी काम नहीं। क्या लग रहा है विधानसभा में इस बार कौन? छोटे राजा आनंद प्रताप देव। हाँ, मतलब जेएमएम। जेएमएम क्या? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसलिए तार्किक बात कीजिए महाराज, ऐसे ही मत बोलिए। नहीं, जाना धार देख लीजिए आप ना। हाँ। उनका जो परिवर्तन यात्रा में भीड़ थी। हाँ। उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ है मैया सम्मान यात्रा में। सम्मान यात्रा में यह साबित कर दिया आज, मैया सम्मान यात्रा में परिवर्तन यात्रा के 5 गुना ज्यादा भीड़ बोल रहे हैं जी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नर्स दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर दवाइयां कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.